सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया आज सबसे पहले हम बात करेंगे जेट प्रभजोत की, जिन्होंने किया पोक अरमान मलिक को। क्या कहा ये देख लेते छोटी सी क्लिप में। मतलब चीप ही जा रहे थे सबको वेबसाइट, फिर अभी विक्स का जमाना आ गया और देखते देखते हमारा काम खत्म हो गया। ऐसे ही भाई जब हमने यूट्यूब शुरू किया था ना, बड़ा अच्छा जमाना था भाई, इज्जत मिलती थी इज्जत। अभी तो वही बोलते हैं कि आज उठा के पत्थर फेंको तो किसी ना किसी यूट्यूबर पे गिरेगा, तो दैट इज अ सैड रियलिटी। और एक और सैड रियलिटी है कि भैया देखो, कंटेंट ना जो हम लोग डालते थे ना, उसको पसंद करने वाले लोग कम हो गए हैं। क्रिंज कंटेंट लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और हमारे देश में जहाँ पे लेट्स से एक बंदा अगर दो बीवियां रख लेता है तो वो सेलिब्रिटी हो जाता है, कोई गालियों वाले गाने बना देता है तो वो फेमस हो जाता है, कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, उल्टे सीधे कपड़े पहनता है तो वो फेमस हो जाता है, तो वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सो अब बात करते हैं एल्विश यादव की, जिन्होंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी द केरला स्टोरी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि केरला में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, तो भाई एल्विश यादव ने उस बारे में बात की। सीधी तरह से बोलो तो उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कल वाले व्लॉग में ये बताया कि उस पे बात करने की वजह से कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में किया डैमेज। फाइनली उनको उनका पता चल गया कि किसने वो डैमेज किया, तो आइए देख लेते उसी से रिलेटेड छोटी सी क्लिप। भाई पता लग गया सिस्टम की, मैं कह रहा हूँ कैमरे वहाँ के भाई ने फोकस नहीं कर पाया कैमरा, बट एक भाई का मैसेज आ रहा है, भाई के पास नंबर छुपा लो, और भाई का क्या कह रहा है पढ़ के सुना दो। अरे मैं नंबर भी मत दिखाओ, दिख जाता है भाई। फ्री हो गए कॉल करना एक बारी, अर्जेंट है। कह रहा आप कौन भाई? कह रहा मैं डैश 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 द्वारका से, कल रात को जो इंसिडेंट हुआ उस गाड़ी का नंबर 83 स्टार मतलब ब्लैक स्कॉर्पियो। एक भाई कह रहे फिर पूरी डिटेल्स दो। मेरा काम भाई बस आपको बताने का था, और किसी की वजह से आपको ये लगे कि एल्विश से बात करने के लिए फेक डिटेल दे रहा हो तो वो चीज़ गलत है, और गलत चीज़ हम करते भी नहीं। 4 तारीख को आप और एल्विश की एक मीटिंग में गए, तो भाई इतनी डिटेल आई है स्कॉर्पियो थी कौन से कलर की। कोई ना कल प्रॉपर कैमरे में है ना, हम है ना निकलवा के धर लेंगे, कल दिखाएंगे आपको पूरा सिस्टम। भाई कह रहा हूँ साइड की रेंज नहीं आ रही, कैसे निकटवाएंगे? ना ना भाई, मैं थोड़ा बहुत सफायर मॉल की निकटवा लूँ। हाँ ये कर सकते हैं भाई, मॉल की सामने मॉल है ना, उसमें भी तो कैमरे होंगे, उसका कर लेंगे। चलो कोई ना, इतना एंजॉय कर लें, कोई ना डिटेल आई भाई द्वारा कॉल करके भाई ना बुलाएंगे। तो अब बात करते हैं पीपल के बारे में, जिन्होंने रिएक्ट किया प्रो राइडर गस्ता के केस में। तो भाई उसमें उन्होंने आमिर माजिद के लिए कुछ कहा, क्या कहा ये देख लेते छोटी सी क्लिप में। आई बिलीव ही वाज वेरी रिस्पांसिबल अगस्तिस फादर कि दिस टाइम ही डिडंट टेक द नेम ऑफ आमिर, बट कई उसकी और फैमिली फ्रेंड्स या सपोर्टर्स हैं जो कि शायद अभी भी आमिर माजिद कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आमिर माजिद एक दोस्ती नहीं निभा पाया तो खराब दोस्त हो सकता है। उनकी एक बुआ का भी वीडियो वायरल हो रहा है, माजिद है कि माजिद है कौन है, इसको अगेन मैं सपोर्ट नहीं करता, कंडेम करता हूँ, क्योंकि किसी के लिए भी, किसी की फैमिली के लिए, किसी की माँ के लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। वो एक खराब दोस्त हो सकता है, वो एक इरेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकता है, पर क्या वो रीजन था इस हादसे के पीछे? नहीं। हर किसी को अपनी खुद की ओनरशिप लेनी चाहिए, कोई भी किसी के बहकावे में आकर ये चीज़ नहीं करेगा। बट हाँ, एज अ दोस्त ये लड़का फेल हो गया, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अपने दोस्तों को सही ढंग से चुनें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।